हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेतिक क्लासेस। आज हम करेंगे नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम संदीप गर्ग। और भी कोई बुक है उसमें से भी आप देख सकते हो, हम बेसिक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बेसिक प्रैक्टिकल मीन्स कन्वर्जन, आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये अपडेटेड संदीप गर्ग के क्वेश्चन है 2022-23 बुक के। सो कैलकुलेट GNP एट FC, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। NDP@MP लिखा हुआ है, राइट? सो सबसे पहले मैं NDP@MP, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, सॉरी फॉर दैट, 80,000 रुपीज़ मैंने लिख दिए, ओके। एंड नेक्स्ट हमको क्या निकालना है वो मैं नीचे लिख देती हूँ। GNPFC निकालना है, उसको मैं नीचे लिख देती हूँ। सो आप एन से जी नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। जस्ट मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बताया है कि आप किधर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, आप एज इट इज लिंक ओपन करके देख सकते हैं। 4950 आपने लिख दिया। ना डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो, NFI ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 200, पर माइनस में दिया हुआ है, सो माइनस प्लस इज माइनस 200 माइनस कर दो। एंड लास्ट आपको क्या करना है, MP/FC जाना है तो माइनस कर दो कि NIT। अब इसमें आपको NIT निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अलग अलग दिया हुआ है। सो आप NIT कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, फॉर्मूला यही होती है। सो आपका NIT आ जाएगा 8,830। यू हैव टू माइनस दिस, आपको NIT मिलेगा। सो आपको GNPNP इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करना, राइट? ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 75,920। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होता है NDP@FC, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। पहले एज इट इज़ जो गिवन है मैं उसको लिख देती हूँ, 58,350। और मुझे निकालना क्या है उसको मैं नीचे लिख देती हूँ। NDP/FC निकालना है और मैंने नीचे लिख दिया कितना, वो तो क्या निकालना है। सो जी से एन जाओगे तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया था, ईयर्स गिवन है, लिख दो 1625 माइनस कर दो। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, एन से डी जाना है तो माइनस कर दोगे NFIA, क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, माइनस में दिया हुआ तो माइनस माइनस इस बार क्या हो जाएगा प्लस, इस चीज़ का प्लीज़ बहुत ध्यान देना। MP से FC जाओगे तो माइनस करोगे NIT, मार्केट से फैक्ट्री पे जा रहे हो, टैक्स को माइनस कर दो, कितना दिया हुआ है इस बार भी आपको टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, यस इस बार भी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 2590, एंड सब्सिडीज ऑल्सो गिवन 1540, दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1050। ओके, सो यू विल सॉल्व, आंसर आपको मिल जाएगा 55,950। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम को भी हम बोलते हैं NNPFC। सो GDP/MP 4,800, और यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ NNPFC। तो जी से एन पे जाओगे, माइनस डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, माइनस कर दो। डी से एन जाओगे, प्लस करोगे NFIA, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 दिया हुआ है, एंड डी से एन जाओगे तो प्लस करते 80 प्लस कर दो। नेक्स्ट आपको MP/FC जाना है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज गिवन, राइट? सो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज 240, पर आपको करना क्या है, माइनस करना है NIT का, उसको माइनस कर दो, सो आपका आंसर मिल जाएगा 4,440 crores। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग अगेन क्या होता है, NDP/FC, सो मैं उसको नीचे लिख देती हूँ जो आपको निकालना है। और गिवन क्या है, GNPFC। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देनी है, आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ क्या ध्यान देना है। पहले जी से एन जाओ, माइनस कर दो डेप्रिशिएशन, ओके डेप्रिशिएशन 150 माइनस कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट एन से डी जाते हैं तो क्या करते हैं,
एन से जब आप कभी भी डी जाओगे तो आप ऐड करोगे, नो सॉरी माइनस करोगे एन एफ आई ए, नेट फैक्टरिंग कम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो ऑलरेडी माइनस में दिया है, इन दोनों को माइनस करो, 150 माइनस 180 इज माइनस 30, सो माइनस माइनस इज प्लस, राइट। अब मुझे ये बताओ एफ सी से एफ सी कुछ चेंज तो होगा नहीं, एफ सी से एफ सी तो आप क्या जाओगे, कुछ चेंज है नहीं तो एज इट इज ही रहेगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 2580। अब ये सोचना कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, टैक्स दिया मैंने कुछ होगा, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी आपका एफ सी से एफ सी है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 6, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालनी है, मीन्स आपको निकालना है एन डी पी एफ सी एंड एन एन पी एट एफ सी, क्लियर। नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, ओके हम अब इनडायरेक्ट टैक्स भी मैं इसी तरीके से करूँगी, पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ जी एन पी एम पी, इट्स योर चॉइस, आपको ऊपर जो लिखना है आप लिख सकते हो और नीचे हम आंसर जो निकालना है हम लिख सकते हैं, तो मैं नीचे लिख देती हूँ एन डी पी एफ सी, आपको चाहिए तो आप पहले ऊपर इसको भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ये मैंने लिख दिया। अब हम जी से एन जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है 1625, माइनस भी लिख दो। नेक्स्ट नेक्स्ट आप अगर एन से डी जाओगे तो माइनस कर दोगे एन एफ आई ए, अब इसमें आपको एन एफ आई अगेन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे 625 माइनस 865, यस सो इट्स 240, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था एन एफ आई है। नेक्स्ट लास्ट एम पी से एफ सी जाओगे तो माइनस कर दोगे एन आई टी जो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क्स, तो उसको एक्स ले लेते हैं, मैक्स की तरह सॉल्व कर देना, कैसे सॉल्व करोगे पहले इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको उससे माइनस कर दो, सिंपल टैक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1050, ये तो आपका भी एन आई टी आया है 1050, आपका सिर्फ एन आई टी आया है। फॉर्मूला क्या होती है आई टी माइनस सब्सिडी, तो आई टी तो आपको निकालना है एक्स, सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन है 1540, सो 1540 प्लस 1050 तो आंसर आ जाएगा 2590, सो एक्स इक्वल्स टू 2590, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो ये ऑलरेडी सब्सिडी दिया हुआ है फॉर्मूला में, ये माइनस में सब्सिडी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से आप ट्राई करना अपने आप, पहले ऊपर जी एन पी एफ सी लिख दो, नीचे एन डी पी एफ सी लिख दो, कन्वर्जेशन का आइटम बीच में लिख दो, और एक्स की वैल्यू से आप निकाल दोगे एन एफ आई ए, जब आपका एन एफ आई आ जाएगा वो पुटअप करके आपको फ्रॉम दिया हुआ तो उससे 2 आ जाएगा, 2 को एक्स ले लेना। नेक्स्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी आपको दिया हुआ है जी एन पी एट एम पी 65,000 आपको दिया हुआ है, कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट रुपीज़ 1,20,00,000, सो कैपिटल स्टॉक आपको कंपनी का दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है क्योंकि आपको डेप्रिशिएशन निकालना है, जो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से तो उसका 10% हो जाएगा 12,000, तो आपको डेप्रिशिएशन दिया हुआ है 12,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 6,000 crore एंड सब्सिडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं एन आई टी लिख देती हूँ, एन आई टी कितना दिया हुआ है 5,000, कैसे किया मैंने 6,000 माइनस 1,000, नेशनल इनकम निकालना मीन्स एन एन पी एफ सी निकालना, राइट, सो जी से एन जाओ डेप्रिशिएशन माइनस कर दो, एन से एन सेम में जाने की जरूरत नहीं है, एम पी से एफ सी जाओगे एन आई टी को माइनस कर दो, इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 48,000 crore, ईजी थियोरी फॉर्म में दिया तो और कुछ भी नहीं। आई होप आपको मेरा वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।